एवरीवन, तो चलिए आज बनाते हैं हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस बेसन एंड सूजी चीला विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, अ वेरी हेल्दी चॉइस फॉर ब्रेकफास्ट। तो चलिए लेट्स मूव टू द किचन एंड स्टार्ट। हेल्दी चीलास बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया थोड़ा सा देसी घी, एक कटोरी दही, एक कटोरी सूजी और एक बड़ा चम्मच बेसन का। इसको कोई भी खा सकता है, यानी कि पीपल दोज हु आर लूजिंग वेट, हार्ट पेशेंट्स, डायबिटिक्स, थायराइड पेशेंट्स, पीसीओडी भी। और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी रॉ वेजिटेबल्स। मैंने डाला है अदरक, गाजर, प्याज, मटर, कॉर्न्स और शिमला मिर्च। चलिए तो बढ़ते हैं अब हम मसालों की तरफ। तो नमक, जीरा, अजवाइन, धनिया, आमचूर, हरी मिर्च और रॉक सॉल्ट, नमक दोनों मिला के एक चम्मच, बाकी सब एक एक चम्मच। अब हम लेंगे एक बोल, उसमें डालेंगे सबसे पहले सूजी, बेसन और जो सब कुछ हमने इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाए हैं। दही आपको इसमें खट्टा ही यूज़ करना है, यानी करीब करीब एक दिन पुराना। दही डालते ही आप देखेंगे एक मिनट के अंदर अंदर ये बैटर अच्छे से फूलने लग जाएगा। साथ साथ में आप ऐड कीजिए इसमें पानी। इसको थोड़ा हमें पतला ही करना है, पतला बैटर बनाना है हमें। ये जो चीलाज है दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी एंड सपोर्ट्स वेट लॉस। जो बेसन है वो एनी डे बेटर देन वीट होता है, उसमें गुड प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ये जो चीलाज है दे आर वेरी लाइट ऑन स्टमक। अब जो हम इसमें वेजिटेबल्स डालने जा रहे हैं वो आप बिंदास दिल खोल के बहुत सारी डालिएगा, और भी अपनी मर्जी से आप ऐड कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अब बारी है सारे के सारे मसाले डालने की। आपको पता है मसालों में बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हेल्प करती हैं हमारा इम्यून सिस्टम बिल्ड करने के लिए और हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ को सॉल्व करने में। तो चलिए अब इन सबको कर लीजिए मिक्स और इसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी और दही। एक अच्छा स्मूथ पतला बैटर होना चाहिए। सब्जियाँ डालने से क्या होगा, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक इसमें भी कम हो जाएगी, सब्जियाँ फुलफिलिंग होती हैं। तो चलिए गैस पर रखिए नॉनस्टिक तवा। मुझे नॉनस्टिक तवा बहुत ज़्यादा फायदे वाली चीज़ लगती है किचन में। आप प्लीज़ अपने किचन में नॉनस्टिक तवा एक बढ़िया सा ज़रूर ला के रखिएगा। अगर आप नॉर्मल तवे पे चीला बनाएंगे तो आपका घी लगता है डबल क्वांटिटी में, ऊपर से चीला बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो पहले चीले पे ही ठीक ठाक मूड खराब हो जाता है। तो नॉनस्टिक तवे में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक अच्छा ब्रांडेड तवा आप अपने किचन में हमेशा रखिए और उस तवे को आप डेली रूटीन में रोटियों के लिए बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा। आप उसको शैलो फ्राइंग के लिए, चीलास के लिए, टिक्कीज़ के लिए आप उसको रखिएगा। देखिए साथ साथ हम बातें भी कर रहे हैं और साथ साथ हम चीले भी बना रहे हैं। चीले बहुत अच्छे बन बन के आ रहे हैं, फुल ऑफ वेजिटेबल्स। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। घी आप अपनी मर्जी से लगाइएगा, कम या ज़्यादा। कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है कि उनके चीले टूटते बहुत जल्दी हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने डाला है एक चम्मच बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है और वो बाइंड करके रखता है पूरे के पूरे चीले को, क्योंकि सूजी का चीला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तभी मैंने इसमें एक चम्मच बेसन डाला था। और बातें करते करते मैंने तो बना लिए बहुत सारे चीले, आप भी अपनी फैमिली के लिए बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, न्यूट्रिशियस, हेल्दी, इजी टू कुक चीलास। इट जस्ट टुक 10 मिनट्स। आप साथ में इंजॉय कीजिए टमाटो केचप, ग्रीन चटनी, व्हिचएवर सॉस यू लाइक। तो देखिए चीलास आर रेडी। तो चलिए एंजॉय कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।